हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सोलर सेल। ब्रीफ एक्सप्लेन इट वर्किंग एंड ड्रॉ इट IV करेक्टर से करो। तो यहाँ पे देखिए, पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट की अपने बात करें तो की कॉन्सेप्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल है वो अपने पास हो जाएगा क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अपने को पूछा है कि इसका जो फंक्शन है वो अपने पास क्या होता है। तो पहले अपने फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सोलर सेल रहता है, देखिए सोलर सेल, उसका मोस्टली फंक्शन है वो अपने पास क्या होता है, ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है। लेकिन किस प्रकार से, तो जो सोलर एनर्जी रहती है, सोलर या अपने कहें कि जो लाइट एनर्जी रहती है, एनर्जी इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट टू अपने पास इलेक्ट्रिक, जो अपने पास एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, ये अपने पास क्या रहता है, किसी भी सोलर सेल का काम रहता है, आने वाली लाइट जो होती है, या अपने कहें कि जो अपने पास सोलर एनर्जी होती है, उसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का फंक्शन रहता है। अब अपने को पूछा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन इट वर्किंग एंड ड्रॉ इट IV है, वो अपने को बताना है कि इसका जो IV कर्व है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो पहले अपने इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो अपना सोलर सेल है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। अपर पार्ट है वो अपने मोस्टली P रखते हैं, नीचे के पार्ट को N रखते हैं। ठीक है, ये अपने पास P होता है, ये अपने पास N होता है। ये एक PN डायोड से एक सोलर सेल है वो अपने को तैयार है वो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या है, इस प्रकार से लाइट है वो इसके ऊपर अपने है वो एक्ट करते हैं, या अपने करें कि यहाँ पे लाइट जो है वो इस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, अपर पार्ट है वो P रहता है और लोअर पार्ट है वो N रहता है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अपने जब बात करें तो देखिए, P पार्ट जो है वो अपने पास क्या रहता है, थिन रहता है, और N पार्ट है यानी पी पार्ट है वो मोस्टली ज्यादा थिन रहता है एन पार्ट से। और इसके ऊपर अपने क्या है, इस प्रकार से मेटल लगे के होते हैं। जो अपर मेटल लगा होता है वो क्या कार्य करता है, यानी जो अपर मेटल रहेगा वो तो क्या करेगा, पॉजिटिव कैथोड की तरह कार्य करता है। और नीचे की साइड जो मेटल लगा रहता है, यहाँ पे एक मेटल लगा रहता है जो कि किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य करता है, या अपने कहें कि नेगेटिव की तरह कार्य करता है। फिर अपने क्या करते हैं, ये जो PN होते हैं इसके साथ एक लोड प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस है वो जोड़ देते हैं, जिसके ऊपर अपने को N एनर्जी है वो अपने को देखने को मिलती है। तो ये इसकी मोस्टली अपने पास क्या रहती है, वर्किंग रहती है यानी। ठीक है, तो अपने वर्किंग की बात करें, वर्किंग तो ये किस तरीके से कार्य करता है, तो देखिए अपने पास जैसे ही इसके ऊपर है वो, जब अपने लाइट है वो इस पे आपतित करते हैं तो क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे पॉजिटिव मेटल लगी रहती है, यहाँ पे नेगेटिव यानी एनोड की तरह कार्य करने वाली मेटल है वो अपने पास लगती रहती है। लाइट से अपने पास क्या होगा, ये एनोड और कैथोड से इलेक्ट्रॉन है वो PN पे मिलते हैं, और अपने को लोड प्रतिरोध पे अपने को आउटपुट एनर्जी है वो अपने को देखने को मिलती है। इसके क्रव की बात करें तो इसका जो क्रव है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिए, क्रव जब इस चीज का देखा गया तो इसका क्रव है वो कुछ इस प्रकार को देखने को मिला। ये अपने पास क्या था, वोल्टता थी, ये अपने पास इस डायरेक्शन में अपने पास करंट था। तो जब इस पे देखा गया तो देखिए वोल्टता है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिले, यानी इसका जो IV ग्राफ है वो अपने को इस प्रकार से देखने को मिला। इसको अपने क्या बोलते हैं, VOC बोलते हैं, ये जो वोल्टता होती है इसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो करंट मिलता है इसको ISC बोलते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। इस प्रकार से अपने को यहाँ पे है वो करंट और वोल्टता है वो देखने को मिलती है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सोलर सेल का IV ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।